नमस्कार, आप सभी को ICA YouTube चैनल पर स्वागत है। हाँ, बहुत अच्छा था। मतलब सब्जेक्ट में किस टाइप का था, कौन कौन से सब्जेक्ट से ज़्यादा था? MS Word, Excel, PowerPoint में सारी सब मिला? ज़्यादा एक्सेल में था, MS Excel। और टाइपिंग का मैटर कैसा था, हार्ड था या इजी था, किस प्रकार से? हाँ, छोटा छोटा वर्ड था, मतलब ये नहीं प्रेशर नहीं ना था कि हाँ बहुत बड़ा वर्ड दे दिया है दिक्कत होगा। बैठ गया था सर पहले मत। सबमिट करने का भी ऑप्शन दिया होगा उसमें, फिर लास्ट में सबमिट करने का, सबमिट करने पर वर्ड दिखाया था कितना की स्ट्रोक मारा है? नहीं, वो चीज़ नहीं दिखता। नहीं दिखा। अच्छा, और लोग से पूछ लेते हैं, एक दो लोग से देख लेते हैं क्या थे, फिर आते हैं मिलते हैं आपसे, ठीक है ना? ठीक ठीक। अच्छा बताइएगा कि कैसा रहा आप लोग का एग्ज़ाम, बता दीजिएगा दो मिनट में, इससे एक्सेल से वर्ड से क्या चीज़ है, नहीं बता पाए हैं, ठीक है? तो देखते हैं इनसे, आप दो मिनट बता दीजिएगा, थोड़ा सा रिव्यू दे दीजिए तो किस तरह का था। बहुत बढ़िया था, ठीक ही ठाक था। और बताइए एक्सेल से किस टाइप, एक दो क्वेश्चन अगर याद है तो बता दीजिए। हाँ, एक्सेल से पूछा गया था, वो रो और कॉलम से जुड़ा हुआ था, उसमें क्वेश्चन वो ए मतलब बताया गया था वहाँ पे कि एक्सेल में मतलब एक कॉलम और रो को ए वन और ए टू हम लोग ऐड करेंगे तो वो कितना मतलब ये बनेगा, वो वहाँ पे सीखा। अच्छा, मतलब प्रैक्टिकल टाइप का था। शॉर्टकट की वगैरह कुछ पता है? हाँ, शॉर्टकट की पूछा गया था इसका कि हम लोग एक्सेल में नया ये मतलब बनाते हैं ना स्लाइड, तो वो नया बनाने के लिए हम लोग कंट्रोल प्लस एन का प्रेस करते हैं, तो वो हम लोग वहाँ पे शॉर्टकट की भी पूछा गया था, दो तीन क्वेश्चन था शॉर्टकट की से। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ने से फ़ायदा हुआ है? नहीं, वो प्रीवियस मिला एक दो क्वेश्चन था उसी बेस पे था, वो मिला नहीं, तो उसी बेस पे था उधर से मिला करके। हाँ, लेकिन और फंडामेंटल का जैसे इंटरनेट या नेटवर्किंग का कोई क्वेश्चन? हाँ, नेटवर्किंग तो थोड़ा उसी से तो मिला ही क्वेश्चन सर, अधिकतर मतलब ये यानी कि 10 नंबर या 15 नंबर को इंटरनेट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन था। अच्छा, ठीक है, थैंक यू। देखते बता दीजिएगा थोड़ा कैसा क्वेश्चन था, किस लेवल का था? क्वेश्चन ठीक था, मतलब जो पढ़ेगा उसका होगा जरूर है, ज़्यादा हाई नॉर्मल क्वेश्चन था, हाई लेवल का नहीं था। और टाइपिंग तो बच्चा वाला था, टाइपिंग में कोई दिक्कत ही नहीं था, हम उसको 6.5 मिनट में मार के। कौन सा कीबोर्ड था? कीबोर्ड मेरा था HP का था, और भी अंदर अलग अलग कंपनी का कीबोर्ड। हाँ, उसमें प्रोडक्ट का था। हाँ? और भी एक दो था, बट कीबोर्ड सब न्यू डाला हुआ था, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ उसमें। हाँ? और टाइपिंग हम 6.5 मिनट में मार के बैठ गए थे। कितना मैटर सबमिट जब किए तो कितना? 1638 था की स्ट्रोक वहाँ पर दिखाया। हाँ, चलिए अच्छा है। आप लोग का कैसा गया? एग्जाम ठीक गया। किस तरह का क्वेश्चन था, वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट? एग्जाम ठीक है था। किस तरह का मतलब क्वेश्चन, एक आध दो का याद है तो बता दीजिए, लोगों को हेल्प होगा। तो याद नहीं है। अच्छा, कोई क्वेश्चन याद नहीं? अच्छा, कोई बात नहीं, आप बताइए कैसा था क्वेश्चन? बहुत अच्छा था, टाइपिंग भी सही गया, MS Word पावर भी सही हुई। मतलब ये वर्ड एक्सेल से अभी ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है, आगे चल के वो अलग चैप्टर बदल जाए अलग बात है, लेकिन अभी यही ज़्यादा। हाँ जी, उसे एक्सेल वर्ड से ज़्यादा आ रहा है। अच्छा अच्छा, टाइपिंग भी सही था बिल्कुल। आप अपना बताइए एक्सपीरियंस कुछ। पावर पॉइंट से एक क्वेश्चन था, उसमें पूछा गया था कि फॉन्ट ग्रुप किस मीनू के अंतर्गत आता है, तो उसमें ऑप्शन था, इंसर्ट था, होम था। तो आप पढ़े हुए थे ना बढ़िया से, तब मतलब फ़ायदा किया ना उसका? उसमें कन्फ्यूजन हो रहा था, इंसर्ट में था कि होम में था, तो हम होम में मार कर फिर चेंज कर दें, इंसर्ट में कर दें। और इंग्लिश का टाइपिंग बहुत ईजी था, अच्छा था। और कीबोर्ड वगैरह प्रॉपर काम कर रहा है ना, कीबोर्ड वगैरह का कोई इशू तो नहीं है? एकदम कीबोर्ड एकदम नया था, न्यू था, जो भी कीबोर्ड लगा है सारा न्यू कंपनी की तरफ से दिया गया है। अच्छा, कौन सा कंपनी का था आप बता सकते हैं? प्रोडक्ट था। अच्छा, मतलब यहाँ पे मिक्स है ना, कुछ लोग HP बता रहे हैं, कुछ लोग जैसे आप प्रोडक्ट बता रहे हैं कंपनी। आप जिस क्लासरूम में थे उसमें कितने विद्यार्थी थे? उसमें ज़्यादा नहीं था, करीब 30 के लगभग में था। और टाइपिंग का मैटर हार्ड तो नहीं था ना उसमें? अच्छा, जब कोई गलती होता था वर्ड तो हाईलाइट हो जाता था कि हाँ भाई ये गलत हो गया? हाईलाइट भी हो जाता था, रेड कलर का हो जाता था, ठीक है। और जब उसको आप सुधारना चाहते हैं तो एक दो वर्ड मारने के बाद भी उसको जाकर सुधार सकते, मतलब उसको सुधार सकते थे कि हाँ भाई ये गलती हुआ है इसको हम सुधार सकते। कल आपका वीडियो भी हम देखे थे, उसमें से उससे भी हमको बेनिफिट हुआ। हाँ, कल एक PNA मॉल के पास गए थे, बहुत अच्छे तरीके से स्टूडेंट निकले थे, तो बहुत अच्छे तरीके से हमको बताया गया था कि ये वर्ड जब गलती हो जाता है तो उसको वापस जाकर सुधार सकते हैं, वो हमको काम आ गया कल। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। इसी तरह जैसे देखिए अभी आप बताएं तो अगले कोई देखेंगे तो उनको काम आ जाएगा, इसी लेकर के हम आ जाते हैं, ठीक ना? जो भी ये क्वेश्चन था MCQ, उसमें ये मीन्स नया टाइप से सेटिंग किया हुआ था। अच्छा, क्वेश्चन सब नया था, और मतलब कह लीजिए प्रैक्टिकल MS Word, Excel, PowerPoint से क्वेश्चन। MS Excel, Word, Office। इंटरनेट सबका क्वेश्चन नहीं आ रहा है क्या? अभी दिए क्या? इंटरनेट से अभी दिए हैं, क्वेश्चन था। आप आगे है देना है,
अच्छा अच्छा, तो आपको और आपको को फायदा करेगा। इंटरनेट से एक क्वेश्चन था कि किस सिस्टम का हाई स्पीड यानी कि स्पीड बहुत तेज होता है। अच्छा, तो उसमें अच्छा। था ऑप्शन था केबल था, केबल फिर था, वायर था, वायर हो गया उसका, फिर डायल अप हो जाता है या फिर ऑप्टिकल डीएसएल और फिर सबसे स्लो होता है। हाँ, तो हम तो इसमें केबल लगता है दिए हैं। ऑप्टिकल फाइबर था ऑप्शन, ऑप्टिकल फाइबर वही होता फाइबर था, तो फाइबर हम दिए थे उसमें क्लिक किया। आप कहाँ से आए हैं? सिवान से। सिवान से आप? ठीक है सर, हम तो गया से आए हैं। गया से, चलिए बढ़िया, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बताने के लिए। बहुत फायदा हुआ था, ठीक है। इसीलिए देखिए यूट्यूब पे भी अभी हम चैप्टर बाई चैप्टर भी वीडियो बना के दे रहे हैं और लोगों को फायदा होगा जहाँ तक जो भी लोग रहे। जी जी, ऐसे ही वीडियो डालते रहे ताकि हम लोग को भी बेनिफिट होते रहे, जो भी लोग हैं उनको बेनिफिट होता है। थैंक यू। चलिए ठीक है, ये सेंटर जो है कुरथौल में है, ग्लोबल इन्फोटेक इसका नाम है, ठीक है ना। और हम यहाँ से अभी चीज़ें आपको जो बता रहे थे, ये लोग अभी देने के लिए ही आए हुए हैं, ठीक है ना। आपको कुछ अभी बताना है और डिटेल्स में तो बता सकते हैं लोग। हाँ, ये बता दिए हैं हालांकि, ठीक है ना। नहीं नहीं, एग्ज़ाम देने आए हैं, एग्ज़ाम देने आए हैं, ठीक है। तो बस देखिए, इस सेंटर में यही है कि कीबोर्ड जो है सभी कंपनी का है, ऐसा कुछ एक नहीं है कि हाँ इस कंपनी का है। आपको पता है कुछ, आपको कुछ याद है क्वेश्चन? नहीं याद है, जैन को भी याद नहीं है क्वेश्चन। कोई नहीं, ऐसा होता है कि नहीं याद रहता है, लेकिन मेन फोकस जो है वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन पर है, ठीक है। और अभी देखिए, एक समय जो है ना, एग्ज़ाम जो एक लंबा समय चलेगा, इस दरमियान आप थोड़ा प्रैक्टिकल क्वेश्चन को, और ऐसा नहीं कि थियोरेटिकल को छोड़ देना है, जैसे इंटरनेट नेटवर्किंग को छोड़ देना बिल्कुल सही नहीं रहेगा, लेकिन अभी प्रैक्टिकल वाला जो भी लोग अभी अगले 10 दिन 15 दिन के अंदर एग्ज़ाम है, उनको यही प्रेफरेंस रहेगा कि वो ज़्यादा इस पर ध्यान दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बाकी चीज़ें क्या है कि जैसे टाइपिंग हो गया, तो टाइपिंग बहुत हार्ड नहीं है, वर्ड इजी है। मैटर भी अनलिमिटेड का जो एक मतलब था कि कुछ लोग कह देते थे कि अनलिमिटेड, ऐसा कुछ नहीं है। जब हम देख रहे लोग कह रहे कि 6 मिनट में हम सबमिट किए, 1600 कुछ की स्ट्रोक आ रहा है या 1700 भी की स्ट्रोक आ रहा है, तो वो ज़्यादा का स्पीड नहीं है, 34-35 का स्पीड है की स्ट्रोक के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, ठीक है। वर्ड जो है वो हाईलाइट भी हो रहा है, अगर गलती होता है हमसे तो उसे हम सही कर सकते हैं। दूसरी बात है, जो गलती होता है वो रेड भी हो जाता है, तो कहीं ना कहीं कह लीजिए कि बहुत ही अच्छा प्रेफरेंस है। जो स्टूडेंट पहली बार भी एग्ज़ाम दे रहे हैं और उनका कभी मतलब कभी टाइपिंग नहीं दी है, तो उनको भी बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि बहुत ही अच्छा इंटरफेस है। कीबोर्ड को अभी तक कोई शिकायत हमको कहीं से कोई नहीं मिला है, हम जितने भी सेंटर से विजिट किए हैं, अभी तो अभी फ़िलहाल कुरथौल में है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिएगा ऊपर में सेंटर है, ठीक है, लेकिन इस सेंटर के अलावा भी अभी और भी सेंटर है, जैसे शाम में दोपहर में है शिफ्ट है, शाम में भी है, वहाँ पर भी हम कोशिश करेंगे कि आपको एक दो जगह से और बता दें, ठीक है। उसके अलावा भी क्लास भी लेना होता है, खाली रिव्यू तो नहीं करेंगे, ठीक है। तो जहाँ तक होगा हम आपको बताएंगे, लेकिन आपको इतना ज़रूर कॉन्फिडेंस देना चाहेंगे कि जो अगर आप लोग में से कोई ऐसे हैं जो चाह रहे थे कि नहीं नहीं होगा छोड़ देते हैं इस टाइप का, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप दीजिए, अच्छा ही जाएगा, ठीक है। और मतलब अपने आप पर विश्वास रखना चाहिए। बाकी हमको नहीं लगा अभी कोई भी यहाँ पर, जैसे 4-5 लोग मिले, इससे पहले मिले, कुछ लोग साइड से बोले, कुछ लोग ज़रूरी नहीं है कि कैमरा फेस ही करेंगे, नहीं कर पाते, लेकिन बताएं जो वो यही है कि क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं है। MCQ आप प्रीवियस ईयर पढ़ लेते हैं या फिर कह लीजिए कि प्रैक्टिकल कर लेते उसका, तो आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। आज के इस वीडियो में इतना ही है, बाकी हम अगले वीडियो में किसी और सेंटर से आपको जो कीबोर्ड के बारे में है रिव्यू है और मैटर के बारे में उसके बारे में बताएंगे, ठीक है ना। और जो भी लोग आप देख रहे हैं वीडियोस को, ठीक है ना, तो इसमें एक चीज़ आप कर सकते हैं कि आप किस जगह के सेंटर के बारे में जानना चाहते हैं कि कहां पर क्या है, वो कमेंट करके बता दीजिए। और अच्छा, कमेंट जब करते हैं तो एक चीज़ का और बताइए, क्लियर लिखा कीजिए कि किस डेट में आपका एग्ज़ाम है, तब तो हम वहाँ पर जाकर रिव्यू कर पाएंगे। और एड्रेस पूरा लिखा कीजिए, तब समझ में आता है कि हाँ भाई कुरथौल में जाना है या फिर कहाँ जाना है, ठीक है। चलिए आप जाइए, अच्छा से दीजिए एग्ज़ाम, बहुत बहुत शुभकामनाएँ आपको, ठीक है। आप दे करके आ गए हैं, ठीक है, आपका भी है एग्जाम? वीडियो हम देखे हैं। अच्छा, वीडियो देखते थे जी सर। बेनिफिट मिला अभी दिए एग्जाम? बेनिफिट मिला सर, दिए एग्जाम दिए हैं। क्या बेनिफिट मिला? मतलब ऐसे नहीं कि खाली वीडियो में हाँ बोल दिया है कि नहीं, मतलब जैसे लिटरली जैसे होता है ना कि जैसे देखिए जेन्युइन बात यह है कि अगर हमको अगर रिपोर्टिंग करना होता तो हम ऑफिस से भी कर सकते थे कि हमको फ़ोन किया सर, लेकिन बात ऐसा है कि जैसे अब यहाँ पर आने के बाद हमको खुद का भी अनुभव हो जाता है और हम क्लासरूम में बच्चा को बता भी पाते हैं। तो जैसे अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन से रिलेटेड है जो भी क्वेश्चन है, तो अगर एक दो क्वेश्चन मन में याद हो ना तो उसे बताइएगा ना, तो लोग को क्या होता है ना, क्लू मिल जाता है। जी सर, सही बात है सर। जैसे देखिए, ये भी मेरा स्टूडेंट है पेड ग्रुप में, ये अभी ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लास लिए हुए, हमको दिखाया कि सर देखें हम क्लास लिए हुए, तो इनका अगले 25 तारीख को है ना, 26 तारीख को है, और वहाँ पर PNA मॉल पर दिया, तो जैसे ये सुने तो इनको कॉन्फिडेंस आ गया होगा,
कि नहीं चलो भाई अब हम कर लेंगे, ठीक ना, जो बात है क्लियर बता रहे, ठीक ना जी। तो सही बात, कोई क्वेश्चन अगर याद है तो बता दीजिए। एमएस वर्ड से मेल मर्ज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था क्या? जी सर, एमएस वर्ड, मेल मर्ज, एक्सेल से ज़्यादा क्वेश्चन था सर। इसमें प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों करने की जरूरत है जी जी। इसी से मेल मर्ज, एक्सेल, पावर पॉइंट, एमएस वर्ड से ज़्यादा क्वेश्चन था। अच्छा, एक चीज़ हम जो कल नहीं पूछ पाए थे वो आपसे पूछना चाहेंगे, आप भी दिए हैं क्या, अगर कोई लैंग्वेज है जैसे हम इंग्लिश में क्वेश्चन आया सपोज़ कीजिए और हमको इंग्लिश समझ में नहीं आया, अब सभी बच्चा को इंग्लिश में तो नहीं आ सकता समझ में, उसको हम हिंदी करना चाहें तो क्या ऑप्शन है क्लिक करके? हिंदी का ऑप्शन है सर, कि हम क्लिक करके हिंदी कर सर। जी सर। अच्छा, वर्ड हाईलाइट कर सकते हैं, इंग्लिश भी कर सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, क्या नाम है सेलेक्ट करिएगा इंग्लिश? मेरा नाम दीपक कुमार हुआ। कहां से है आप? फुलवारी शरीफ से। फुलवारी से तो बगल से ही है, तो आपका घर है हो गया। चलिए अच्छा है, आप अभी दे दिए एग्जाम के, देंगे बताइए। सीबीटी एग्जाम के लिए बुलाया गया है, इसमें एडमिट कार्ड पर सीबीटी लिखा हुआ है। अच्छा। और इसके साथ में टाइपिंग भी लिया जा रहा है। नहीं नहीं, तो देखिए नोटिस पहले दिया है, आप नोटिस नहीं पढ़े? नोटिस ना, देखिए पहले जब एग्ज़ाम जब वैकेंसी आया था ना, उसी समय वैकेंसी में बताया गया कि दोनों होगा। दूसरी बात, फिर से जो अभी से हाँ हाँ नहीं, देखिए वो टाइम का मेंशन रहा था, मतलब हो सकता है वो नहीं किया होगा, अलग बात है, हो सकता है। हम इसमें हाँ बिल्कुल लिखा हुआ है, लेकिन एडमिट जो 20 दिन पहले जो नोटिस आया है, आप लोग में से बहुत सारे लोग पढ़े होंगे, उस नोटिस में साफ तौर पे लिखा हुआ है कि सेम दिन आपका टाइपिंग और सीबीटी दोनों होगा। ऐसा तो कुछ नहीं है, लिखा हुआ है, हम खुद पढ़े हैं और बताएं भी लोगों को, ऐसा नहीं है कि लिखा नहीं करना। हाँ, ये है कि उसको आप जैसे आप लोग का कहना है आपके अकॉर्डिंग कि समय मेंशन करना चाहिए क्या अलग अलग कम। टाइपिंग आप पूरा मार दिए थे? अरे नहीं, मेरा दो बजे से। अच्छा, अभी देंगे। चलिए बढ़िया। अच्छा चलिए, अनुभव मिल गया ना कम से कम। दोनों एक ही बार हो रहा है। कल शाम में आपको पता चला? लिटरली आप बता रहे बहुत कब पीछे से अपडेट पता चला आपको लेट से? यूट्यूब पे कल ऐसे देखे एक पता चला कि ऐसे हो रहा है, यूट्यूब पर देखे तो पता चला कि सेम ही डे सब हो रहा है। हाँ, तब तो फिर गड़बड़ है। नहीं, आपको पहले से पता होता तो अच्छी बात रहता। चलिए ठीक है, वीडियोस में बस इतना ही है, ठीक है ना, अब ऐसा कुछ अब है नहीं, और अगले किसी शिफ्ट में आपको हम बता देंगे, ठीक।